हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कंप एकेडमी। मैं कपिल शर्मा आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हमने जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो है गुप्ता पीरियड के किशन रेड्डी की जो बुक है वो फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी इंस्क्रिप्शंस आर जनरली सेड टू बी अवेलेबल फॉर द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के लिए कितनी इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल थी? 30, 35, 40, 42। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 42। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रशस्ति। ऑप्शन ए रॉयल कैरेक्टर, ऑप्शन बी प्राइवेट एंडोनमेंट, ऑप्शन सी ईओलॉजी ऑफ अ किंग, ऑप्शन डी कॉपर प्लेट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ईओलॉजी ऑफ अ किंग। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब्स कुमार गुप्ता वन एज ए मेयर महाराजा। ऑप्शन ए मानकुवर बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी बिलशात पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी बाइग्राम कॉपर प्लेट, ऑप्शन डी मथुरा जैन इमेज इंस्क्रिप्शन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, मानकुवर बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस इज फाउंड ऑन ए आयरन पिलर। इनमें से कौन सी इंस्क्रिप्शन आयरन पिलर के ऊपर पाई गई थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद प्रशस्ति, ऑप्शन बी मेहरुली प्रशस्ति, ऑप्शन सी ईरान प्रशस्ति, ऑप्शन डी जूनागढ़ प्रशस्ति। तो चलिए इसका सही आंसर को डिस्कस किया जाए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेहरुली प्रशस्ति। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग अगर इस क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लोगे एक बार पूरी स्क्रिप्ट आपके जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आपके लिए जितने भी एग्जाम्स हो उसमें अंदर आप एक डीप ग्रिप बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया जाए। द अर्ली गुप्ता एम्परर्स मॉडल्ड देयर कॉइनेज आफ्टर द गोल्ड कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। क्वेश्चन है, द अर्ली गुप्ता एम्परर्स मॉडल्ड देयर कॉइनेज आफ्टर द गोल्ड कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। ऑप्शन ए मौर्यंस, ऑप्शन बी सातवाहनस, ऑप्शन सी इंडो ग्रीक्स, ऑप्शन डी कुषाण्स। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण्स। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ये हर एग्जाम के लिए खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी का बोलिए, आप पीएससी का बोलिए, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक फेमस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर्स इज रिप्रेजेंटेड ऑन हिज कॉइन्स एज फ्लूट और वायना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्लूट और वायना। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका पहला ऑप्शन जो है वो है चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन सी समुद्रगुप्ता, ऑप्शन डी स्कंदगुप्ता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्ता। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करा जाए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द फर्स्ट एंड द लास्ट गुप्ता रूलर्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता वन एंड वेन्यागुप्ता, ऑप्शन बी समुद्रगुप्ता एंड विष्णुगुप्ता, ऑप्शन नंबर सी घटोत्कच एंड कुमारगुप्ता टू, ऑप्शन डी श्रीगुप्ता एंड विष्णुगुप्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्ता एंड विष्णुगुप्ता। तो चलिए अब लोग हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द गुप्ता एरा, यहाँ पे इस वर्ड को देखिएगा, द गुप्ता एरा वॉज स्टार्टेड बाय हुम एंड वेन। ऑप्शन ए घटोत्कच इन एडी 300, श्रीगुप्ता इन एडी 309-10, समुद्रगुप्ता इन एडी 324 एंड चंद्रगुप्ता वन इन एडी 319-320। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किसने गुप्ता एरे को स्टार्ट किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्ता वन इन एडी 319-320। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज कंसिडर एज द गुप्ता इक्विवेलेंट टू कौटिल्यस अर्थशास्त्रो ऑफ द मौर्य। मौर्य पीरियड में कौटिल्य की जो अर्थशास्त्री जो किताब थी उसकी सेम बैलेंस कर रही हुई कौन सी किताब हम गुप्ता पीरियड के अंदर देख पाते हैं। ऑप्शन ए कामांडाकास नीतिशास्त्र, कालियाग्राजा बृहंता, नारदा स्मृति, बृहस्पति स्मृति। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कामांडाकास नीतिशारा। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यह है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स टेल अस अबाउट द सक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त वन टू द थ्रोन। ऑप्शन ए देवी चंद्रगुप्तम, ऑप्शन बी कौमुदी महोत्सवा, ऑप्शन सी मृच्छकोटिका, ऑप्शन डी अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कौमुदी महोत्सवा। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज पिलग्रिम्स टू इंडिया गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट गुप्ता रूलर। क्वेश्चन है विच चाइनीज पिलग्रिम टू इंडिया गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट गुप्ता रूलर। तो ऑप्शन ए ह्वेनसांग, ऑप्शन बी फाइन, ऑप्शन सी इटसिंग, ऑप्शन डी वैंग ह्वेनसांग। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इटसिंग। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स गॉट द फेमस सुदर्शन लेक ऑफ द अमोरियस रिपेयर्ड फ्रॉम द सेकेंड टाइम इन हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम बींग बाय रुद्रदामन वन। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन होंगे। अगर आपको बोला जाए सुदर्शन लेक को फर्स्ट टाइम किसने रिपेयर किया था, फर्स्ट टाइम अगर आपको बोला जाए तो आंसर होगा रुद्रदामन वन। अगर आपको सेकेंड टाइम के लिए बोला जाए तो ऑप्शन है ए समुद्रगुप्ता, ऑप्शन बी स्कंदगुप्ता, ऑप्शन सी चंद्रगुप्ता वन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्ता टू। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्ता। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस इलाहाबाद प्रशस्ति। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग गुप्ता हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू द पीरियड बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। बट ऑप्शन ए बुद्ध गुप्ता, ऑप्शन बी समुद्र गुप्ता, ऑप्शन सी चंद्रगुप्ता टू, ऑप्शन डी कुमार गुप्ता वन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कुमार गुप्ता वन हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू हिज पीरियड
तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त इंस्क्रिप्शंस इज सेड टू कॉन्टेन द मोस्ट डिसिसिव एविडेंस इन फेवर ऑफ द एक्सक्लूसिव ऑनरशिप ऑफ लैंड बाय द स्टेट ऑफ द किंग। तो क्वेश्चन थोड़ा आप क्लियरली समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त इंस्क्रिप्शंस इज सीज टू हैव टू कॉन्टेन द मोस्ट डिसिसिव एविडेंस इन फेवर ऑफ एक्सक्लूसिव ऑनरशिप ऑफ लैंड बाय द स्टेट्स ऑफ द किंग। ऑप्शन ए इलाहाबाद प्रशस्ति, ऑप्शन बी बिहतारी प्रशस्ति, ऑप्शन सी पहाड़पुर कॉपर प्लेट, ऑप्शन डी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी पहाड़पुर कॉपर प्लेट। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ द गुप्तास गिव्स द राइट ऑफ सबइन्फ्यूडेशन द राइट टू डू नॉट कल्टिवेट द लैंड बट ऑल्सो गेट इट कल्टिवेटेड बाय समवन्स टू बी ग्रैंटी। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ऑप्शन नंबर ए इंदौर पिलर्स इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्ता, ऑप्शन बी नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ऑफ समुद्रगुप्ता, दामादरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता वन, नंदापुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ बुद्ध गुप्ता। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए इंदौर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्ता। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंतिकम ऑफ द गुप्त पीरियड वाज ए बुक ऑन। अच्छा, नवंतिकम जो किताब थी गुप्त पीरियड में वो किस चीज़ की किताब थी। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी मेडिसिन, ऑप्शन डी मेटलर्जी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मेडिसिन। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, विच पार्ट ऑफ द महाभारत रिप्रेजेंट शूद्रास एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द किंग। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। बोला गया है, विच पार्ट ऑफ द महाभारत रिप्रेजेंट शूद्रास एज द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द किंग। इसका ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए आरण्यक पर्व, ऑप्शन बी अनुशासन पर्व, ऑप्शन सी भागवत गीता, ऑप्शन डी युद्ध पर्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अनुशासन पर्व। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ स्कंदगुप्त मेंशन द हूनास एंड पुष्यमित्रास एज इज मोस्ट सीरियस एनिमीज। तो आप दोबारा बोल रहा हूँ क्वेश्चन को, विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ स्कंदगुप्ता मेंशन द हूंस एंड पुष्यमित्रास एज द मोस्ट सीरियस एनिमीज। ऑप्शन बोला गया है, ऑप्शन ए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी इंदौर पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी सुपिया पिलर इंस्क्रिप्शन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो चलिए अब लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन को और 20वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप लोगों के लिए हमने एक छोटे छोटे टाइम के पीरियड के लिए वीडियोस बनाया जा रही है, क्योंकि इससे आप लोगों का मोटिव बना रहेगा और आप लोग पढ़ने में थोड़ा इजी होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इज सेड टू हैव एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ इस रीजन एंड ऑल्सो फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो चलिए क्वेश्चन को दोबारा बोला जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इज सेड टू हैव एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ इस रीजन एंड ऑल्सो फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। आप लोग बस नालंदा यूनिवर्सिटी को याद रखिए, बस से पता चल जाएगा आंसर कौन है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्ता, ऑप्शन बी बुद्धगुप्ता,
ऑप्शन सी पुरु गुप्ता, ऑप्शन डी कुमार गुप्ता वन। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कुमार गुप्ता। तो आज की हमारी जब 20 क्वेश्चन की सीरीज थी वो कंप्लीट हुई। हम दोबारा कल उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने 21वें तक से 40वें तक के लिए क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक दीजिए। आपके लिए पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं यहाँ पर, बस एक लाइक जिसमें पैसे नहीं लगते देने में। और प्लीज़ शेयर करिएगा हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।